सो वेलकम टू ITSP टेक्नोलॉजीज। तो टुडे ऑन बर्ड्स आई एम कवरिंग वन जावा 8 फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन। मेरे चैनल पे पहले से ही कुछ वीडियो पड़े हैं। हाँ, मेरे एक बढ़िया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि मैं अब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज का टॉपिक है, ज्यादा अपने फालतू का ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा। सबसे पहले लैम्डा क्या है? लैम्डा ये इंट्रोड्यूस हुआ था मैथमेटिकल कैलकुलस में, ठीक है, 1930 के समथिंग में। मेरे को इतना क्लियर याद नहीं, 1930-31 के समथिंग में तो यूज होता था उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन। बट बाद में ये ज्यादातर लोगों ने इंक्लूड कर दिया इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो यूज करा था वो थी लिप्स, LISP, लिप्स। लिप्स इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज द लैम्डा एक्सप्रेशंस। उसके बाद फिर बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुई, जैसे C# हुई, .NET हुई, C हुई, C++ है, पाइथन है, रूबी है, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैम्डा यूज करती थी पहले से ही, ठीक है। बट जब जावा डेवलपर ने इसको इंट्रोड्यूस करा जावा 8 फीचर्स के साथ, जब जावा 8 रिलीज हुआ उसके साथ ही इन्होंने लैम्डा एक्सप्रेशन को रिलीज करा। किस लिए रिलीज करा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो जावा में है, जावा में लैम्डा एक्सप्रेशन आए, इसलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करा उन्होंने जावा 8, ठीक है। उससे पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी नहीं जावा में। जावा में सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी जावा 8 के पहले। बट जावा 8 के बाद, जावा 8 इंट्रोड्यूस होने के बाद, जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई लैम्डा एक्सप्रेशंस के लिए। सो लैम्डा एक्सप्रेशन पहले मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है वो, जो कि कैलकुलस में यूज होता था, ठीक है। और पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी लिप्स, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो लिप्स, LISP। दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज विच इज यूज्ड लैम्डा एक्सप्रेशन। उसके बाद C, C++, जावा, सॉरी नॉट अ जावा, पाइथन एंड सी सी ऑब्जेक्टिव, .NET एक्सेट्रा। ओके, तो इसका मेन पर्पस यही था कि उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस हो और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स इंक्लूड हो सके जावा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम दूसरी बात की बात करें तो है, व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जस्ट अ एनोनिमस फंक्शन, यू कैन से, इन जावा। जस्ट आई एम टीचिंग अबाउट जावा, सो यू कैन लर्न ओनली जावा। सो दिस इज द एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मींस जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है, उसे एनोनिमस बोलते हैं। अपने जावा में एक चीज है इनर क्लासेस, एनोनिमस इनर क्लासेस। इनर क्लासेस का कोई नाम नहीं होता, इसलिए उन्हें एनोनिमस इनर क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एनोनिमस फंक्शन होता है, इसे लैम्डा एक्सप्रेशन, उसका कोई नाम नहीं होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है और एक्सेस मॉडिफायर नहीं, ठीक है, इसकी इसमें जरूरत नहीं होती, उसे लैम्डा एक्सप्रेशन बोलता है। तो सिंपल टर्म में होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन इज जस्ट एनोनिमस फंक्शन, और यू कैन से एनोनिमस फंक्शन। इट मीन्स डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नेम एंड ऑल्सो एक्सेस मॉडिफायर। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिखवा दूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। सॉरी, जिस भी फंक्शन का नाम ना हो, रिटर्न टाइप ना हो, रिक्वायर्ड नहीं रिटर्न टाइप इसमें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं एक बारी
आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स बता देता हूँ। जैसे पहले अपने पास वो था, पूरा प्रॉपर फंक्शन था, जो पब्लिक सपोज रिटर्न टाइप इज वॉइड एंड मेथड डालते हैं से हेलो, श्री हेलो, और ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन होता था। इसके अंदर एसओपी लिख देते थे अपन, एसओपी, ठीक है, हेलो, खत्म। ये था जावा 7 था, ये था जावा 7, ठीक है, जावा 7 था, ठीक है। ऐसे हम कर सकते, अभी भी करते हैं जावा 17, अभी भी करते हैं ठीक है, जावा 17 तक ही करते थे। बट जैसे ही लेमडा इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, कब, जावा 8, तब मैंने जैसे बोला डेफिनेशन में नाम नहीं हुआ, तो पहले हम नाम हटा दें, ठीक, नाम हटा दिया, नाम हट गया, ठीक, रिटर्न टाइप जरूरत नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर जरूरत नहीं, हटा दो, ठीक है, अब कर ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इस लेमडा को डिक्लेयर करें, लेमडा को कंपाइलर कैसे पसंद था, बाय दिस एरर, बस खत्म। और इसके अंदर आप बॉडी दे दो, जैसे कुछ भी देनी हो, इसके अंदर दे दो एसओपी, लाइक हेलो हेलो, अभी मैं चला के भी सारा आपको दिखाऊंगा, ठीक है, हेलो, बस दैट्स इट। ये अपना जावा 8 का है, जावा 8, ठीक है, 25 तारीख, 25 रिक्वायर्ड, 25 जावा 8, ठीक है, जावा 8 हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप इस, अगर कोई पूछे कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, तो उसको यही देख के बता देना, यही अगर समझ गया हो गया तो ये सफिशियंट है बताने के लिए। इसमें क्या नहीं है, ना एक्सेस मॉडिफायर है, ना रिटर्न टाइप है, ना नेम है। जिसका नेम नहीं होता उसे एनोनिमस बोलते हैं टेक्निकल टर्म, ठीक है, तो टेक्निकल टर्म में बता देना सिंपल सा, कि जिसका फंक्शन का नाम ना हो, रिटर्न टाइप ना हो और एक्सेस मॉडिफायर, तो उसे लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, जैसे अगर तुमको पैरामीटर्स पास करने हो, इसमें इसके अंदर पास कर दो, पैरामीटर के अंदर ए बी, सपोज तुमने एक प्लस करने का फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पास करोगे, इंट ए इंट बी, जैसे अगर पब्लिक वाइड, ठीक है, एंड इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, और इसके अंदर ऐड कर दोगे, जैसे प्रिंट करानी है तो एसओपी के अंदर एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर इज प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, इनको एक ब्रैकेट बना लो, एक पैरेंथेसिस में तो चाहिए से, ठीक है, ये होगा खत्म। अब ये रिटर्न कर देगा जो भी तुम दोगे, अब ये इसी को हमें लेमडा में लिखना है। तो कैसे लिखें, लेमडा में लिखने के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप नहीं चाहिए हमें, मेथड का नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो सिंपल लिख देते हैं इंट इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, लिख दिया एसओपी, इसको कॉपी कर लो, ऐसे लिख दो इसको, बस यही करना, सी एंड बी, ठीक है। अब बस इसमें क्या ही लगा देना है, एक एरो लगा देना, जो कि एरो ये है, ठीक है, पैच कंपाइलर पहचान जाए कि लैम्डा एक्सप्रेशन। इसी का एक और वर्जन होता है, इसी को हम ऐसे भी लिखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हमें सिर्फ टाइप नहीं लिखना है कि ये किस टाइप का है, जरूरत नहीं, ए एंड बी, ठीक
ठीक है, कंपाइलर लैम्डा इक्वेशन में ये अपने आप ही समझ जाएगा कि ये इंटीजर टाइप है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि हम उसको डिक्लेयर करें कि ये इंट टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और एक अगर पैरामीटर आया तो वो भी ले लेगा, सिंगल पैरामीटर को पास करने के लिए। ठीक है, एक और वर्जन है मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको एक सपोज ए, ओके, ए दिया, एक पैरामीटर है, ठीक है, अब आपको रिटर्न कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो रिटर्न ए। ठीक है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है, अगर सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट आया, सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम उसे सिंगल स्टेटमेंट है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, इसको हटा, ऐसे भी लिखा। ठीक है, तो मजा। अगर सपोज अपने पास एक, मान लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, यस, ठीक है, अभी मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो रिटर्न यस कर देंगे, और इसी का वर्जन हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यस खत्म, यस रिटर्न। लैम्डा में भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, जैसे एक एर पैरामीटर था तो इसको बताने की जरूरत नहीं था, सिंगल ए हमने ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस हटा दिया, सीधा ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये भी लेता है, समझ आया? ठीक है, हाँ। और लैम्डा इक्वेशन, 0 पैरामीटर्स, 0 पैरामीटर्स, मोर देन 0 पैरामीटर्स टेक, ओके, लिख दूँ, ये अच्छा रहेगा, लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो लैम्डा, लैम्डा इक्वेशन देन हैव 0 और 0 और मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और आज वी कैन कॉल, ऑल्सो वी कैन कॉल लाइक, व्हाट इज दिस, ऑल्सो वी कैन कॉल लाइक आर्गुमेंट, ग्रेट, फैंटास्टिक, ओके। लाइक एग्जाम्पल अगर लेते हैं अपन, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्या होगा, जैसे इन, जैसे 0 पैरामीटर्स का एसओपी लिख दिया हमने, ठीक है, हटा देते हैं इसको, ठीक है, हटा दिए, हेलो हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं एक सिंगल पैरामीटर्स इंट ए, ठीक है, इंट ए भी ले सकते हैं, और हम इसको हटा भी सकते हैं, इंट को, एसओपी ए, ठीक है, और अगर हम लेते हैं इंट इंट ए कॉमा इंट बी एंड लैम्डा, लैम्डा रिटर्न ए प्लस बी, ये सारे एग्जांपल अभी मैं करके दिखाऊंगा, बहुत डीप, डोंट वरी। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि हम ऐसे ले सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आते हैं अपन, हम वी कैन टेक अ मल्टीपल पैरामीटर्स बाय सेपरेटेड बाय द कॉमा, इंट ए इंट बी इंट वी इंट सी, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, लाइक दिस लाइन आई हैव रिटन हियर, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मेन थिंग इज व्हेन वी इम्प्लीमेंट, व्हेन वी यूज, जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शनल इंटरफेस रिक्वायर्ड है, द मस्ट,
Without functional interface, you cannot use lambda expression functionality. So you should declare like one functional interface so you can use the functionality of that interface. So you know that, like, what is the meaning of functional interface? Functional interface only contain a one abstract method. Only contain one abstract method. It's called a functional interface. So I have written one line here. So you can use that, like, which is that line? When we write lambda expression, we can call that expression just like a method, right? Just like a method. For this function, functional interface are required. For this, जैसा मैंने बताया, बिना फंक्शनल इंटरफेस के आप इनको कॉल कर ही नहीं सकते, ठीक है? सो यू नीड द फंक्शनल इंटरफेस फॉर यूज द फंक्शनलिटी ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन. सो नाउ आवर नेक्स्ट एजेंडा इज लर्न अ फंक्शनल इंटरफेस. ओके, फंक्शनल इंटरफेस आते हैं अपन यहाँ. फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है? फंक्शनल नल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस. तो ये क्या होता है फंक्शनल इंटरफेस भाई? तो फंक्शनल इंटरफेस कुछ नहीं है यार, सीधा सिंपल इजी, बहुत ही इजी आसान सा है. फंक्शनल इंटरफेस ओनली कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड. यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत छोटा हो गया साइज, साइज बढ़ा लेते हैं 20, ठीक है? 20. तो फंक्शनल इंटरफेस कंटेन ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड. ओके, देन वी कैन कॉल दैट टाइप ऑफ इंटरफेस इज द टाइप ऑफ इंटरफेस एज द फंक्शनल इंटरफेस, FI means फंक्शनल इंटरफेस. ओके, फंक्शनल इंटरफेस ऑल्सो यू कैन कॉल अ सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड. वी हैव सम फंक्शनल इंटरफेस ऑल्सो इन जावा. अगर आपको याद हो तो रनेबल इज द फंक्शनल इंटरफेस. इन साइड द रनेबल ओनली वन मेथड, वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है. कौन सा वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज? रन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है. उसी प्रकार एक कंपेरेबल है, तो उसमें एक कंपेयर टू मेथड है. जो कंपेयर टू मेथड है ना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और कॉलेबल है, एक्शन लिसनर है, बहुत से है. मैं आपको एक दिखाता हूँ. तो अगर मैं जावा पे जाऊं तो हम कैसे देखते हैं जावा? आईडी ओपन करता हूँ यार, इंटेलिजे. ठीक है, आईडी ओपन, आईडी ओपन, आईडी ओपन. हाँ, ये है, ये रहा, ये मैं देख रहा था यूज करके, ठीक है? अगर मेरे को क्या देखना है, मैं बता रहा था आपको कंपेरेबल रनेबल, तो मैं दिखाता हूँ आपको रनेबल. तो रनेबल अब मैं इस इंटरफेस के अंदर जाता हूँ, इंडेक्सिंग हो जाएगा इसके अंदर का. देखो ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और देखो ये फंक्शनल इंटरफेस है, दिख रहा? फंक्शनल इंटरफेस है,
राइट स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है ये देखो, एक ही रन मेथड है, रन मेथड है और ऊपर एनोटेशन है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि एनोटेशन क्या है, सब कुछ बताऊंगा ठीक है। अब तक ये समझो रनेबल इज द फंक्शनल इंटरफेस है अपना, प्रॉपर फंक्शनल, और इसके पास कोई मेथड है नहीं है ठीक है। उसी प्रकार एक होता है कॉलेबल कंपेरेबल, कंपेरेबल नॉट दिस स्पेलिंग कंपेरेबल आ जा, जावा डॉट लाइन पैकेज में है। देखो इसमें एक ही मेथड है वो है कंपेयर टू मेथड है, कंपेयर टू मेथड ठीक है, ये देखो नॉट नल कंपेयर टू मेथड ठीक है। और भी हैं बहुत सारे हैं इसमें, अभी मेरे को इतने ध्यान आ रहा है, और शायद कॉलेबल भी है, कॉलेबल देख लेते हैं, इसमें है कॉल मेथड है, थ्रो इनेक्ट करता हूँ कॉल मेथड। सो ये तीनों क्लासेस फंक्शन इंटरफेस के अंदर आते हैं, ये तीनों ठीक है। ठीक है अब दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात ये है कि हम इसमें एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड, एनी नंबर ऑफ स्टैटिक मेथड डाल सकते हैं। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हम डिफॉल्ट मेथड कितने भी डाल सकते हैं, जावा 8 की बात हो रही है ठीक है, जावा 8 डिफॉल्ट मेथड कितने भी डाल सकते हैं और स्टैटिक मेथड कितने भी डाल सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही डाल सकते हैं। अगर हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड दो डाल दिए तो वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा, वो नॉर्मल इंटरफेस हो जाएगा। तो अगर मैं राइट करूँ, सो वी कैन ऐड यन नंबर ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक इन फंक्शनल इंटरफेस, नल इंटरफेस ग्रेट परफेक्ट। सो ये एक पॉइंट था बता दिया मैंने आप ठीक है। सो अगर एग्जाम्पल के लिए चले तो हम एक इंटरफेस बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक बनाते हैं, कैसा भी बना लो, पब्लिक इंटरफेस इंटरफेस, दिस इज द कीवर्ड इंटरफेस। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बंद करते हैं इसको ठीक है, ये देखो इसको भी बंद करते हैं से हेलो। अब ये क्या है, एक प्रॉपर फंक्शनल इंटरफेस है दिख रहा है ना, ये प्रॉपर एक फंक्शनल इंटरफेस, इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड में डिफॉल्ट 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 मेथड बना रखता हूँ वाइड लाइक हेलो हेलो मेथड ठीक है, डिफॉल्ट मेथड है इन बॉडी ठीक है, ग्रेट ग्रेट और स्टैटिक मेथड भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर, तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप क्या करना चाहते हो, तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट ओके। सो दिस इज ऑल दिस थिंग्स ओके। सो आफ्टर दिस आई हैव शोन यू वन थिंग, व्हाट इज दैट, रनेबल अगेन आई एम जस्ट शोइंग विच थिंग, दिस अनोटेशन आई शो यू दैट डॉक्यूमेंटेशन अबाउट दिस अनोटेशन, इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस 1.8, सिंस 1.8 ये बोला, सिंस 1.8 आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो इसका सब कुछ है ठीक है, आप पढ़ सकते हो इजिली। सो जावा 8 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक एनोटेशन, एनोटेशन क्यों इंट्रोड्यूस करी फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि यूजर्स को पता चले कि ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसको हम टच ना करें, इसमें कोई और अब्स्ट्रैक्ट मेथड ना डालें,
ठीक है, पहले क्या था, पहले बना हुआ तो था बट इसमें इम्प्लीमेंट नहीं था। अगर पहले की डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओपन करोगे इस रनेबल की, तो ये एनोटेशन नहीं उस पे मिलेगी, ये Java 8 के बाद इन्होंने डाली, ठीक है, एनोटेशन। सो ये इंट्रोड्यूस करी, सो आप डाल सकते हो यहाँ पे, सो यूजर्स कैन ऑल्सो इजिली अंडरस्टैंड फंक्शनल इंटरफेस। सो नाउ यू कैन सी, नाउ दिस इज द फंक्शनल इंटरफेस, इजिली कैन अंडरस्टैंड, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड दिस इज द फंक्शनल इंटरफेस। ओके, सो दैट्स वाई जावा पीपल इंट्रोड्यूस फंक्शनल इंटरफेस। ठीक, समझिए, सब बढ़िया। ओके, नेक्स्ट थिंग आते हैं अपन। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग, हाँ एक चीज और बतानी थी, अगर हम करते हैं इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट मेथड तो क्या दे देगा, स्ट्रिंग इंट इंटीजर एड, लेट्स देख लो आप, एरर दे रहा, एरर क्या दे रहा है, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट मेथड फाउंड इन इंटरफेस सेवल, समझ रहे हो, इस इंटरफेस के अंदर मल्टीपल चीजें, मल्टीपल ऑब्जेक्ट मेथड उसे मिले, इसीलिए ये एनोटेशन बोल रहा है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, कंपाइल टाइम पे एरर देगा। समझ आई, समझ आई, समझ, ठीक। तो हम इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट मेथड, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मेथड डाल सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करने में थोड़ा सा वो भी लग रहा है, ठीक है। हाँ, और एक चीज, अगर हम इसको हटा दें तो भी एरर दे, इसको एक वन ऑन वन एक तो चाहिए चाहिए है, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड 100% श्योरिटी के अंदर चाहिए चाहिए। अब कुछ चीज हम देख लेते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, कि हम फंक्शनल इंटरफेस में इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। ओके, फंक्शनल क्यों आ जाता है ना इसमें, सो फंक्शनल इंटरफेस विद रिस्पेक्ट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस, फंक्शनल नल इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे अपन अगर यहाँ आते हैं, ठीक है, अगर हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया, कंट्रोल, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये हटा देते हैं डिफॉल्ट मेथड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें एक और बना इंटरफेस, इंटरफेस लाइक बाय, एंड हमने एक्सटेंड कर दिया से, ठीक है, अब एक्सटेंड कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक प्रश्न है, अब ये जो चाइल्ड इंटरफेस, ये पेरेंट इंटरफेस हो गया, और ये जो चाइल्ड इंटरफेस है, ये जो चाइल्ड इंटरफेस है, ये फंक्शनल इंटरफेस है कि नॉर्मल इंटरफेस है, बताओ, ध्यान रखना, अगर फंक्शनल इंटरफेस को चाइल्ड इंटरफेस में एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो भी फंक्शनल इंटरफेस ही कहलाएगा, समझ आया, फंक्शनल इंटरफेस ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस इंटरफेस में, ठीक है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड, समझ आया, ठीक है। और इसमें हम कोई ऐसा नहीं कि हम कोई नया अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर डिफाइन कर देंगे, जैसे हमने एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया पब्लिक वॉइड
वाइड टेस्ट सपोज, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लिख दिया। अब जो कि है ना, ये चाइल्ड इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, वो फंक्शन इंटरफेस नहीं रहा, फंक्शन इंटरफेस नहीं रहा। अब देखो मैं दिखाता हूँ, फंक्शन इंटरफेस अगर मैं एक एंड पॉइंट डालूंगा, एरर दे देगा, एरर दे दिया। अगर मैं इसको हटा दूंगा, मैंने इसको हटा दिया तो ये एरर चला गया, क्योंकि इसको पता चल गया ये इंटरफेस है जो फंक्शन इंटरफेस। ठीक है, समझ आया? ओके, ये सब कंपाइल टाइम पे एरर मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स वोट्स गई है, थ्योरी ठीक है। ठीक, हाँ, अगर मैंने कोई बनाया पब्लिक, मैं दिखा रहा हूँ, अगर कोई मेथड मैंने बनाया सेम टाइप का, सेम मतलब स्ट्रिंग लाइक टेस्ट बना दिया, ठीक है, ये एरर नहीं दे। अब ये नॉर्मल इंटरफेस हो गया, मैंने बताई थी। अगर मैं सेम टाइप को अगर ओवर राइट कर दूंगा तो शेप, और मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा फंक्शन इंटरफेस, एरर है नहीं, क्योंकि मैंने इसी मेथड को यहाँ पे ओवरराइट कर, ठीक है, डाल दिया, तो इसीलिए फंक्शन इंटरफेस की तरह ही काम कर। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन इंटरफेस वर्सेस लैम्डा इक्वेशन। अगर आपको फंक्शन इंटरफेस लिखना है, अगर आपको लैम्डा इक्वेशन लिखना है, तो फंक्शन इंटरफेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, विदाउट फंक्शन इंटरफेस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? ठीक है, तो मैं पहले देखता हूँ विदाउट, एक बनाता हूँ विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन, ये मेरा इंटरफेस है, फंक्शन इंटरफेस, ठीक है, तो इसके अंदर एक मैं बनाता हूँ पब्लिक क्लास, एक क्लास टेस्ट बना दी, ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूँ, चेंज करना पड़ेगा नाम, रीनेम द फाइल, टेस्ट डाल दिया, मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड डाल दिया, और अपने इंटरफेस का नाम क्या है, सेव, ठीक है, और अब इस इंटरफेस को हम करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है, इस इंटरफेस को तो कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो हम बनाते हैं एक और नया इंटरफेस, और लाइक क्लास कुछ भी बना लो, मैं बनाता हूँ पब्लिक क्लास, नॉट अ पब्लिक, रिक्वायर्ड नहीं पब्लिक, बनाते हैं क्लास डेमो इम्प्लीमेंट से इंटरफेस, सेबल इंटरफेस, परफेक्ट, नाउ कम पब्लिक इम्प्लीमेंट, डालते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, रिटर्न हेलो हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है, फंक्शन इंटरफेस है इसीलिए, तब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डेमो क्लास, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ठीक है, एंड डी डॉट से, परफेक्ट, डी डॉट से एंड एसओपी के अंदर डाल देते हैं हम इसको, तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सेव इट एंड आप देखो करते हैं इसको, आउटपुट क्या आएगा, हेलो हेलो आ गया, हेलो ये लिखा था, कुछ और लिख के देख ली, वाई लिख दो, हेलो है बट वाई लिख दो यार, ठीक है, टेस्ट करने के बाद बाय आ गया, ठीक है, अभी तक ये ठीक, ठीक है,
अब बात आती है लैम्डा। इसी फंक्शनलिटी को हमें लैम्डा के थ्रू अचीव करना है, तो लैम्डा के थ्रू अचीव करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो, बना दिया, हटा दो, इसको भी रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। अब मैं सेवर बनाऊंगा, सेवर से इक्वल्स टू लैम्डा एक्सप्रेशन, मैं कुछ रिटर्न करूंगा, तो हाँ रिटर्न कर लो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे करना क्या है, साउट लिखा दो या रिटर्न लिखा दो, रिटर्न 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 सिंपल रिटर्न हेलो, ठीक है, एरर दे रहा है, क्यों, कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू मेथड विद वॉइड, वॉइड नॉट सी इज रिटर्निंग दिस, अच्छा, वर्ड में, ठीक है, तो यस डॉट सेव, ये हो गया यस डॉट सेव, तो ये जो मेथड है ना उसको पी के अंदर डालो, उसको पी के अंदर ना डालो, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, अगर बाय भी एक्सपेक्ट कर रहा, ठीक है, हेल 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 लिखा मैंने, रन करते हैं सो अगेन, हेल आ गया, ठीक है, हम ऐसे डाल, आगे समझ, ठीक, उसी प्रकार ही अगर जैसे मेथड है वाइड, ठीक है, वाइड, ठीक है, इजी है, तो हम एसओपी डालें, एसओपी सिंपल लिख देंगे, हेलो हे हाय, हाय करने पर तो सिंपल कॉल करा दो एस डॉट से को, ठीक है, एस डॉट से कॉल होगा, रन आएगा, हाय आ जाए, ठीक है, हाँ आ गया, तो लैम्डा एक्सप्रेशन से ऐसे यूज करते हैं फंक्शनल इंटरफेस, समझ आया, आप एक एग्जांपल देते हैं पैरामीटर के साथ, ठीक है, तो जैसे मैं करता हूँ एड मेथड इंट ए कॉमा बी, ठीक है, इंट ए इंट बी, यहाँ पे डालता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, और सी की जगह कर देता हूँ एड, परफेक्ट इंट, मैं पास कर देता हूँ 10 कोमा 20, ठीक है, और सेव, और कर देता हूँ यहाँ पे रन, तो आना चाहिए 30, आउटपुट में आ गया 30, ठीक है, तो ऐसे ऐड का यूज करते हैं, और अगर एक और बढ़ाना हो पैरामीटर तो बढ़ा दो इंट सी, ठीक है, यहाँ पे एक और पैरामीटर दे दो सी, ठीक है, और यहाँ पे एक और पैरामीटर दे दो, एक और आर्ग्यूमेंट में 30 पास कर दो,
तो 30 पास करने पे इसको ऐड भी करना पड़ गया सी में, ऐड कर दिया हमने, ठीक है रन कर, तो आया 30 30 60। आगे 60, तो ये एडिशन का हो गया, ऐसे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न भी लगा सकते हो, रिटर्न जैसे मैंने यहाँ कर दूंगा, इंटीजर रिटर्न टाइप, ठीक है। तो फिर ये लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये हमने बनाया, इसके बाद ये बनाया, रिटर्न लगाया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये लगा दिया रिटर्न, और यहाँ पे लगा दिया करेगा, खत्म, रन कर दो इसको, वही आउटपुट आया सेम, फिर नो कंपाइलेशन एरर। आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि एसओपी के अंदर नहीं है, एसओपी, ठीक है, वही आउटपुट, ठीक है, ये आ गया आउटपुट आपका। स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। हाँ एक एग्जांपल आपको बढ़िया सा एग्जांपल मैं करके बताता हूँ, किसके साथ, पहले बताता हूँ विदाउट द लैम्डा और फिर लैम्डा के साथ, यूजिंग बीच इंटरफेस भी है रनेबल, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें, इस वाले इंटरफेस को, तो हम इसको बनाएंगे क्लास, सबको हटा देते हैं एक बारी, हटा दिया, ठीक है, और बनाते हैं एक क्लास, क्लास रन, क्लास बनाते हैं रन, इंप्लीमेंट करते हैं रनेबल इंटरफेस, जैसे हमने इंप्लीमेंट करा रनेबल इंटरफेस, ये बोल रहा है जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट कर दो रन मेथड, हमने कर दिया, और इसके अंदर एक फोर लूप लगा के इंट स्टार्ट कर देंगे इसको 0 से, आई कहाँ चला गया, चला आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जाए एंड आई प्लस टू कर दो बाद में, ठीक है, और ये 5 वाली, ठीक है, हाय विवेक, मेरा नाम विवेक है, तो हाय विवेक, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब ये विदाउट लैम्डा है, विदाउट लैम्डा मैं लिख देता हूँ ऊपर, विदाउट लैम्डा, विदाउट विदाउट लैम्डा, ठीक है, और विद लैम्डा भी मैं बता दूंगा आपको, और ये हो गया एक बना पब्लिक क्लास टेस्ट, सॉरी नॉट दिस, जेड क्लास टेस्ट बना दिया, टेस्ट बनाया, इसके अंदर बनाते हैं मेन, मेन लिखा, मेन के अंदर क्रिएट करते हैं रेन्यूअल का रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस ऑफ द रेन्यूअल, रेन्यूअल आर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अवर रन न्यू रन मेथड, ऑब्जेक्ट बनाते हैं रन मेथड का डिफॉल्ट पैकेज के साथ बना दिया। सो अब इसको कॉल करने के लिए हमें थ्रेड चाहिए, थ्रेड थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड, थ्रेड आर पास कर दो, ठीक है, टी डॉट स्टार्ट, स्टार्ट मेथड के साथ कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉल होगी चाइल्ड थ्रेड, ये हाई विवेक इज द नथिंग बट चाइल्ड थ्रेड, एंड अगर आपको मेन थ्रेड कॉल करनी है तो मेन थ्रेड कॉल करा लो, मेन थ्रेड वो अपने आप कॉल होगी बार बार, तो वही मैं देता हूँ फॉर के साथ, एंड इसी फॉर लूप को कॉपी कर लो, टाइम ना खराब करो, ठीक है, पेस्ट यहाँ पे लिख दो विवेक की जगह चाइल्ड, आई मीन थ्रेड, थ्रेड एंड अगर अभी रन करोगे तो आउटपुट आएगा 5 5 बारी में, कभी मेन कभी भी, अभी विवेक आया पहले मेन थ्रेड चला फिर मेन थ्रेड, ऐसे करके आएगा, ठीक है, यही इम्प्लीमेंटेशन अब करेंगे हम लेमडा के थ्रू, यही इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, रनेबल बनाया, रन मेथड बना दिया, ठीक है। अब
लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसके लिए हमें जरूरत नहीं, ठीक है, उसके लिए ये सब जरूरत नहीं, इसकी हमें अलग इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं। खत्म, इसको भी खत्म करो, हटाओ, ठीक, हटा दे। अब एक रनेबल, रनेबल इज दैट हैविंग आर इक्वल्स टू, है अपने पास रन मेथड है, ठीक है, आप सिंपली है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, ठीक, रन मेथड है। अब रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो, तो पब्लिक वाइड, नहीं, रन मेथड नहीं, यहाँ पे लगा फॉर लूप, कॉपी कर रखा, ठीक, ये हो गया रन मेथड, ये हो गया मेन, ठीक है, ये हो गया रन मेथड, हो गया बाहर आ जा। अब हमें इस रनेबल को चलाने के लिए थ्रेड चाहिए, थ्रेड बनाओ, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, टी प्लस न्यू थ्रेड, थ्रेड पास कर दो आर, ठीक है, पास कर दिया मैंने आर। अब बनाते हैं टी डॉट स्टार्ट, बना दिया स्टार्ट। अब एक बार और फॉर लूप लगाओ, ये मेन ले दो, मेन थ्रेड, हाई मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, ठीक है, तो इसको रन कर लो यार, यहाँ से रन कर लो, यहाँ से रन कर लो, कहीं से रन कर लो, सेम आउटपुट आया भाई। फिर वो होगा, देखो 5 बार, अभी नहीं आ, पहले मेन थ्रेड चला, फिर मेन थ्रेड चला, मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड पहले चलेगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, ठीक है। तो हाँ ये देखो आया, पहले हाई विवेक, मतलब पहले मेन थ्रेड, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्ड, इसे ही चाइल्ड थ्रेड बोलते हैं, और ये यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरी एक क्लास हट गई कि नहीं हट गई, कि नहीं हट गई, ठीक है, यही है लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। अगले वीडियो में एनोनिमस इनर क्लासेस, और हम लैम्डा एक्सप्रेशन देखेंगे, एनोनिमस इनर क्लासेस, लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सेड नेक्स्ट टॉपिक में एनोनिमस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, एनोनिमस, एनोनिमस इनर क्लास, अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में लैम्डा का, वो बता रहा था, क्या बता रहा था, इंट्रोडक्शन, तो बताया था मैंने एनोनिमस क्या होता है, जिसका कोई नाम है, एनोनिमस इनर क्लास, ये जावा के स्टार्टिंग से है, वैसा लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जब भी है, नेक्स्ट वीडियो आए इसका, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, एंड फिर थोड़े से डिफरेंशिएशन करके बता दूंगा, फिर उसके बाद डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, ठीक, डिफॉल्ट मेथड हो गया, स्ट्रीम हो गया, सारे मैं एक एक करके बताऊंगा, फिर लेमडा को कलेक्शन में कैसे यूज करते हैं, कल का मेन टॉपिक अपना रहेगा लेमडा को कलेक्शन में, कल का या नेक्स्ट वीडियो का, लेमडा यूज इन कलेक्शन, लेमडा एक्सप्रेशन यूजिंग, यूज्ड इन कलेक्शन, कलेक्शन होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर गाइस, विद योर फ्रेंड, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।